पिछली वीडियो में आपने देखा कि मीठा कैसे सरदार को बेवकूफ बनाकर उससे पैसों की गठरी ले जाता है और जब सरदार दूसरी गठरी लेकर आता है तो उसमें कपड़े होते हैं। फिर वो गुस्से में मीठे के घर आते हैं तो वो उस वक्त अपने घर को ताला लगाकर जा रहा होता है। अच्छा, तू हमें बेवकूफ बनाकर अपना घर बंद करके भाग रहा है? अरे नहीं सरदार साहब, मेरी फूफी की मौसी की नानी के बेटे की सास का सुसर फोत हो गया है, उसकी इयादत करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो सामान भी लेकर जा रहा है? अरे नहीं सरदार साहब, सामान काफी पुराना हो गया है, इसलिए मैंने सोचा इसे पॉलिश ही करवा लें, टाइम ही नहीं मिल रहा आजकल। तुझे दो डबरिया करने से फुर्सत ही नहीं है तो टाइम कहाँ से मिलेगा? मालिक, इसने जितनी दो नंबरियां हमारे साथ की है इसे मारते नहीं हैं, बल्कि अपने फार्म पर ले जाते हैं। सारी जिंदगी गाय का गोबर उठाएगा तो खुद ही बताएगा कि पैसा कहाँ पर पड़ा है। हाँ, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा है, इसे ले चलो अपने गाय के फार्म पर। फिर वो मीठे को ले जाते हैं और अपने फार्म पर आ जाते हैं। मालिक, आप किसे ले आए हो यहाँ पर? ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, फ्रॉड कर करके हमारा जीना हराम कर दिया है इसने। अब तू गाय के गोबर नहीं उठाएगा बल्कि ये सारे काम करेगा, और ख्याल रखिए ये भागने न पाए। ठीक हो गया सरदार जी, आप बेफिक्र हो जाओ, इसे तो मैं ऐसे ऐसे काम करवाऊंगा कि ये याद करेगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ओए चल उठ और गाय के गोबर उठा, और आज सारी गायों को निलाने का दिन है, सब गायों को निला। मीठा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। ओए तुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? चल उठ, गाय के गोबर उठा पहले। अरे क्या है तुझे, बोल नहीं सकता क्या तू? अरे ये तो गूगा है। अरे धत तेरे की, ये सरदार किसको मेरे हवाले कर गया? ये गूंगा होके सरदार को बेवकूफ बना गया है। अगर बोलता होता तो ये क्या हाल करता सरदार का? भाई आई दे भाई आई। अरे बोल क्या रहा है तू, क्या चाहिए? बाथरूम जाना है। भाई आई दे भाई आई। अरे क्या कह रहा है तू, भूख लग रही है, खाना खाना है। भाई आई दे भाई आई। अच्छा अच्छा, सबर कर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ, लेकिन भाग की कोशिश न करी। सरदार साहब ने शाम में आना है, तू यहीं पर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। फिर वो आदमी खाना लेने के लिए चला जाता है। वहाँ सरदार मीठे से अपना पैसा निकलवाने का सोच रहा होता है। मालिक, आप परेशान मत हो, मीठा हमारे हाथ लग गया है, अब हम खुद उससे पैसा वापस निकलवा लेंगे। मगर उसने पैसा रखा कहाँ होगा? बस मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए फिर मैं उसे जान से मार दूंगा। मालिक परेशान मत हो, हम शाम में जाएंगे ना तो उससे अपना पैसा निकलवा लेंगे। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का होता है जो अपना नया काम करने का सोच रहा होता है। हाँ बेटा, तूने कुछ सोचा कि क्या काम करेगा तू? पैसे तो तेरे पास काफी जमा हो गए हैं। हाँ माँ जी, मैंने सोच लिया है, मैं अपने घर पर गाय पालूंगा और उनका दूध निकाल कर बेचा करूँगा। हाँ मेरे बेटे, ये तो बहुत अच्छा काम है, तू अभी शहर जा और 5-6 गाय खरीद करा, ये काम बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं अभी शहर जाता हूँ और गाय खरीद कराता हूँ। फिर बिट्टू पैसे लेकर घर से निकलता है और वो सरदार के फॉर्म के पास से गुजरता है तो उसे गाय की आवाज आती है। अरे यार, अंदर तो काफी सारी गाय लग रही हैं, मैं इनसे ही गाय खरीदने की बात करता हूँ, हो सकता है मेरा इनके साथ सौदा बन जाए। वो फार्म के अंदर आ जाता है तो मीठा बैठा होता है। भाई साहब, इस फार्म का मालिक
मालिक कौन है, मैंने उससे बात करनी है। नहीं, मैं क्या तुझे यहाँ का चपरासी लग रहा हूँ? मालिक हूँ मैं, इस फार्म का मालिक हूँ। बोल, कैसे आना हुआ यहाँ पर? अरे भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। असल में बात ये है कि मैं गाय खरीदने शहर जा रहा था तो रास्ते में आपका फार्म आ गया, सोचा आपसे ही बात कर लूं, हो सकता है हमारा सौदा बन जाए। मेरी गाय देख रहा है कितनी आला नस्ल की है, भर भर के दूध देती है। अरे हाँ भाई, मुझे भी ऐसी गाय चाहिए, आप कीमत बताओ कितने की दोगे? कीमत को छोड़, तेरे पास कितने पैसे हैं ये बता। मेरे पास तो 10 लाख रुपए हैं। तू मुझे अच्छा इंसान लग रहा है, चलो 10 लाख रुपए दो, सारी गाय ले जाओ। अरे भाई, ये तो आप मुझे बहुत सस्ती गाय दे रहे हो। हाँ बस मजे करो, तुम भी क्या याद करोगे कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। अब जल्दी से मुझे 10 लाख रुपए दो और ये सारी गाय ले जाओ। बिट्टू उसे पैसे देकर उससे गाय ले जाता है और मीठा वो पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है। अरे सरदार, तू मुझसे गोबर उठवाएगा? तेरी तो मैंने सारी गाय बेच दी है, जो करना है कर ले, मैं अब जा रहा हूँ। मीठा 10 लाख रुपए लेकर निकल जाता है। वहाँ बिट्टू गाय को लेकर जा रहा होता है कि सरदार का मुलाजिम देख लेता है। अरे ये गाय तो देखी देखी लग रही है, इसके पास इतनी सारी गाय कहाँ से आ गई? खैर मुझे क्या, मैं फार्म पर जाकर उस गूगे को खाना खिलाकर उससे गोबर उठवाता हूँ। फिर जब वो मुलाजिम फार्म पर आता है तो वहाँ ना मीठा होता है और ना ही गाय। अरे मैं लुट गया, ये गाय कहाँ चली गई और वो आदमी भी भाग गया, मैं सरदार साहब को जाकर बताता हूँ। वो आदमी परेशानी में सरदार के पास आता है। अरे मुंशी, इतना परेशान क्यों है, सब खैर तो है ना? अरे सरदार जी, आपको क्या बताऊँ, एक लड़का हमारी सारी गाय चोरी करके ले गया और वो मीठा भी भाग गया। ये तो क्या बकवास कर रहा है, कौन लेकर गया है हमारी गाय? मालिक, मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो मुठियारा पुल के पास रहता है, चलो उसके पास। वो सब जब बिट्टू के घर पहुँचते हैं तो वहाँ उसकी गाय मौजूद होती है। अच्छा, तो तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी गाय चोरी करके आएगा, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। ओ हेलो जड़ा, आराम से, मैं कोई गाय चोरी करके नहीं आया, बल्कि मैंने ये गाय वहाँ के मालिक से खरीदी है। कौन सा मालिक? मालिक तो हमारे सरदार साहब है जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। जी नहीं, वहाँ मीठे नाम का एक आदमी बैठा था, उसने ही मुझे बताया कि वो यहाँ का मालिक है और मैंने उससे ये सारी गाय 10 लाख रुपए की खरीद ली। अरे अरे, वो तो गूंगा था, वो तो बोल नहीं सकता था। अबे पागल, वो गूंगा नहीं था, वो बोल सकता था। उसने तुझे भी बेवकूफ बना दिया और मेरी सारी गाय 10 लाख रुपए की बेच गया। मैं अपनी गाय नहीं छोड़ूंगा, चलो सारी गाय खोलो और वहाँ पर लेकर चलो। ये आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, मैंने 10 लाख रुपए की ये गाय खरीदी है। देख लड़के, वो बेटा तो हमारे काबू नहीं आ रहा, अगर तू उससे हमारे पैसे निकलवाने में कामयाब हो गया तो ये सारी गाय आकर ले जाए। पर सरदार साहब, मैं उससे आपके पैसे कैसे वापस निकलवाऊंगा? अब ये तेरा काम है, हम नहीं जानते, अगर पैसा मिल जाए तो आकर अपनी गाय ले जाए। ये कहकर वो अपनी गाय ले जाते हैं और वापस फार्म पर आकर बांध देते हैं। वहाँ मीठा नसीबों को कहता है, चल बेगम, ये 10 लाख रुपए भी उसी जगह पर जाकर रख देते हैं, इससे पहले कि सरदार आए। हाँ हाँ मीठे, चल जल्दी चल। वो दोनों घर से निकलते हैं और वो 10 लाख छुपाने जा रहे होते हैं कि बिट्टू की नज़र उन पर पड़ जाती है। ये तो वही मीठा है जिसने मुझे गाय बेची थी, पर ये कहाँ जा रहे हैं, देखना पड़ेगा। वो मीठे के पीछे जाता है तो वो ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एक गार होता है। वो दोनों उसमें चले जाते हैं और बिट्टू जाकर वहीं छुपकर देखने लग जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो बिट्टू अंदर जाता है तो वहाँ सरदार का और मीठे का पैसा पड़ा होता है। मिल गया आखिरकार, मुझे सरदार का सारा पैसा मिल गया। मैं ये सारा पैसा सरदार के पास लेकर जाता हूँ और उसे देकर अपनी गाय वापस लेता हूँ। बिट्टू वो सारा पैसा वहाँ से ले जाता है। वहाँ वो दोनों सरदार के घर आते हैं और वो वहाँ मौजूद नहीं होता। मिठे,
तू यहाँ पर क्यों आ गया? अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो फिर तू क्या कर बेगा? अरे बेगम, उसके मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, वो मुझे अब हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका सारा पैसा खत्म। अरे हाँ मीठे बड़ के, अब तो वो तेरी हिफाजत कर बेगा। हाँ बेगम, तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपने रोज के दाना पानी का बंदोबस्त करने। देख वो कैसे कैसे मजेदार खाने खिलाएगा हमें। पर मीठे वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मुझे पता है वो कहाँ पर होगा, तो चल मेरे साथ। वो दोनों फार्म पर आ जाते हैं। सरदार साहब, मीठा आ गया है, इसे पकड़ कर मार देते हैं। तू पागल तो नहीं हो गया? मीठे के पास मेरा बहुत सारा पैसा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे मेरा पैसा कैसे मिलेगा? बहुत अकलमंद हो तुम सरदार जी, देख लिया मुझसे पंगा लेने का अंजाम। अरे मीठे दुश्मनी खत्म करते हैं, ला मेरा पैसा मुझे वापस कर दे। अपना मुंह बंद कर और मेरी बात गौर से सुन। कल से रोजाना मेरे घर दोपहर में बकरे की कड़ाही और रात में बिरयानी और नाश्ते में सिरी पाए पहुंचा दिया करें। ये ना हो कि कमजोरी की वजह से मैं मर जाऊं और तेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं नहीं मीठे, मैं ये सब कुछ तेरे घर पहुंचा दिया करूँगा, तुझे कुछ नहीं होगा। इतनी देर में बिट्टू पैसा लेकर आ जाता है। सरदार साहब, मैं आपका सारा पैसा ले आया हूँ, अब मेरी गाय मुझे वापस करो। ओ मोटे गेंडे, तू ये पैसा कहाँ से लेकर आया? उसी गार्ड से जहाँ तू छुपा कर आया था, मैंने वो गार्ड देख लिया था। ओ मोटी मज, ये तूने क्या किया? जो भी हो गया अच्छा हो गया, इन दोनों को पकड़ो, अब मजा आएगा। फिर वो उन दोनों को बांध देते हैं। बिट्टू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने मेरा पैसा वापस दिलवाया। लो तुम अपनी सारी गाय लेकर जा सकते हो। इस तरह सरदार की जान छूट जाती है और बिट्टू सारी गाय ले जाता है।